हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हेलो तो आपने किसी की आवाज सुनी ना oh. हाँ ये देखिए आज हमारे साथ स्टैनचा नाइट भी है हेलो गाइस ये देखिए ये दो हाथ oh. और ये दो एक्स्ट्रा हाथ तो आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं जैसे कि आप देख सकते हैं इस कंट्रोलर की क्लो 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 हम क्लो बनने वाले हैं कंपनी का नाम है तो आज हम इस वायरलेस ब्लूटूथ कंट्रोलर की की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं इसे वायर उससे भी आप यूज कर सकते हो तो लेट स्टार्ट लेट स्टार्टा तो पहले फ्रंट देख लेते हैं इसका कंट्रोलर की ऐसे रेड ब्लैक में से पिक्चर बनी हुई है बहुत अच्छी पिक्चर है डिस्क्रिप्शन चौकेटत नहीं, नहीं है दिखेगा वो रजिस्टर दिखे ये चीज बिल्कुल बेकार है मैं पे, मैं इस पे करी, मगर कुछ भी नहीं है इस पे बस ये अपने प्रमोशन प्रमोशन करते है रजिस्टर आप नहीं कर सकते देखते हैं क्लोज शूट 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 बाय अब इसके नीचे इम्पोर्टेंट फीचर्स देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा जूम इन कर लेते जूम अब आपको अच्छे से दिखेगा ईयर वारंटी, ब्लूटूथ है और वही जो मैं आपको दस की रेंज, बता रहा था तो अच्छा लग रहा है चार सौ एम एच सुनने से कम लग रहा है हो सकता है एक जीरो मिसिंग हो, हो सकता है एक जीरो ज्यादा हो दस घंटे चलेगा तो, तो अच्छा तो फिर इसका मतलब एक जीरो एक्स्ट्रा ही होना चाहिए कड़बड़ी हो तो सकता है हम गड़बड़ी ये ये एकदम सही है इस पे आप जाके देख सकते हो चीजें मतलब कैसे करना है लेकिन हाँ। वो हम इस वीडियो में बताई देंगे तो जाने की कोई जरूरत नहीं है और ये बड़ी अच्छी सी फोटो बनी हुई है एक और फोटो थोड़ा छोटू कर लेते हैं ये और फीचर्स शूट ब्लूटूथ वायरलेस कंट्रोलर फॉर मोबाइल एंड पीसी वही सेम चीज है ये सब तो इससे ज्यादा पुराना विंडोज एक्सपी तक को सपोर्ट करता है तो इससे ज्यादा पुराना किसके पास होगा नहीं होगा आपके पास विंडोज वीजा नहीं है आपके पास तो ये भी चीज है बहुत अच्छे पढ़ सकते हो आप बेसिकली ठीक है अब इसे खोलते हैं अब इस पे लगी हुई है एक सील ये मंगाया था हमने अमेजोन सेम डे डिलीवरी आ गई प्राइम से ये लगी हुई है सील ये रहा हमारे पास कटर डोंट प्ले विद कटर गाइस हम इसे इधर लगाएंगे कर चुकी है सी आर डेफिनेटली ट्रेन प्रोफेशनल यस ट्रेन तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें बहुत, बहुत कुछ तो सबसे पहली तो चीज ये और ये जो मैं आपको ब्लूटूथ डोंगल का था ये तार पहले सब कुछ निकाल लेते हैं एक एक करके एक एक करके वो ये फंस चुका ये है ये है एक स्टैंड है आप कंट्रोलर के ऊपर लगा फोन सकते फोन ताकि आप लगा पाओ इसे भी निकाल के रख लेते हैं ये है मेन चीज बहुत अच्छी दिखती है का रेटिंग रेटिंग दो और और वो तो इसे यहां रख देते manual, हैं कोई यूज़ नहीं करता है मैनुअल डिब्बे को फेंक देते हैं साइड में डिब्बा तो ये मैनुअल बहुत अच्छा तो, सा मैनुअल तो, तो एक एक करके चीजें खोलना चालू करते हैं आ, इस मैनुअल को रखते हैं इसके ऊपर क्योंकि हमें इसको खोलना है पहले खोल देते हैं लोगों में थोड़ी एक्साइटमेंट गाइस बहुत अच्छा दिख रहा है जैसा कि आप देख सकते हो ये एक्सबॉक्स कंट्रोलर से है जब तक वो स्टैंड से वो दिखा रहा है तब तक ये कंट्रोल्स वगैरह आप देख सकते हैं तब तक मैं और चीज़ें ये सब खोल के आपको दिखा देता हूँ ये ये स्टैंड है पर आप माउंट कर सकते हो ये भी अच्छी क्वालिटी का है माउंट कर देखते है। ये होता माउंट करना आता भी है को नहीं कृपया करके मत तोड़ दीजिए उसे छोड़ दीजिए ट्रेंसर ने लॉल है लॉल किस्म के इंसान है मगर कोई बात नहीं है थैली की भी हमें कोई जरूरत नहीं है थैली कचरे में जाएगी ये रहा ये डोंगल ये डोंगल लगा के भी आप यूज़ कर सकते हो पीसी में यूज़ करना हो वायर भी यूज़ कर सकते हो अगर आप चार्जिंग करना भूल गए हैं तो ये वायर आपके लिए बहुत ज़रूरी होने वाला है लेकिन ये वायर वो वाला है देखो मैं आपको दिखा देता तो देते कौन सा पोर्ट है जिनको पता होगा माइक्रो यू के नाम से इसे जान लेते हैं फोकस करो ये देखो

ऐसे एक तो अच्छे इधर नहीं लग रहे हैं लेकिन ठीक है और ये भी एक्सबॉक्स जैसे वो और ये होम बटन और ये सब अभी से चार्ज नहीं है क्योंकि तो हमने तो नहीं लगाया अभी आपके सामने खोल रहे तो ये और ये रात वो चार्जिंग पोर्ट जो मैं आपको उतार था और इस पर कुछ नहीं है अभी हम ये अमाउंट करने वाले हैं ये ये कैसे करते हैं मुझे ये तो ऐसे आता है मैं आपको गाइस दिखा देता हूँ ये आता है ऐसे ऐसे आता है ये तो फिर आपको सबसे पहले इसे ऐसे खोलना रहेगा और इसे जब आप ऐसे खोलोगे तो ये बड़ा अजीब सा दिखेगा ऐसा लगेगा ये आपके सोल में घुस के आपको खाना चाहता है अगर नहीं खाएगा तो अभी आपको इसको ऐसे घुसेड़ना है और ये क्लोक का यहाँ पे आएगा अब यूट्यूब पे बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हैं वो भी देख सकते हैं तो फिर अभी आपको इसको यूँ ऐसे खींच के एक्सपैंड करके और इसके ऊपर लगा देना है और फिर तो ये देख सकते हो यहाँ पे ऐसा बना भी हुआ है आपका फोन आएगा यहाँ पे ऐसा पाँच बना भी हुआ है इसके अंदर तो वहाँ पे लगाना है डाल कर देख टेस्ट करना देखे जरूर तो ये ऐसे लग जाएगा तो अभी जो इसकी ऐप होती है ये 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 ऊपर मत ले आइएगा कहीं खींच के ऊपर ले आए क्योंकि देखने में ऐसा लगता है लेकिन ये जाएगा इधर ही ऐसे ही जाना चाहिए चीज़ सुबह और फिर ये भी अच्छी क्वालिटी का है इसमें से क्लिप्स हैं तो अभी इसे हम थोड़ा ऊपर कर लेते हैं और ये रहा हमारे पास फोन है फोन है फोन कम्पेरिजन में आपको बता दू एस सेवन है

तो अभी सबसे पहले हम मैनुअल को जिसको हम हर बार उड़ा देते हैं इस चीज को तो ही दिया जाए ये निंजा ब्लेड की तरह यूज किया जा सकता है, है या। तो इसी इसके लिए अभी आपको एक ऐप आप डाउनलोड करनी रहती है जो कि क्यूआर कोड ये रहा आप देख पाओगे इसको क्यूआर कोड

तो अभी आप ये देख सकते हो ये गेम नहीं दिखा चलो देख लो गेम ये गेम प्रमोशन नहीं कर रहे हम कहीं कोई प्रमोशन समझे नहीं ऐसा कुछ नहीं है तो ये अभी आप आप देख सकते हो ये शूटिंग प्लस वी थ्री इसको देखते हैं इसको खोल लिया जाए अभी ये ऑन नहीं है तो फिर ये मांगेगा ये तो सब ठीक है हमारी लोकेशन कृपया कर करके मत रिवील कीजिएगा तो ये अभी <coughs> ये ऐसे सिंपल से अभी डिवाइस डिस्कनेक्टेड आ रहा है अभी इसे खोल लेते हैं सबसे पहली चीज हमें कट लेके ये मैनुअल पढ़ लिया जाए इस मैनुअल भाई साहब के अंदर क्या लिखा है

दो, दो तीन यो नहीं हुआ इसका मतलब ये डिस्चार्ज है, एक, अभी, दो, तीन, अल्लाह अल्लाह बाबा, बाबा, तो अभी हम इसे क्या करते हैं ये तार ये तार को हम लेंगे हम इस तार से इसे चार्जिंग पे लगा के आते हैं फिर एक बार ये चार्ज हो जाता है तो उससे चलाएंगे या कोई भी और जुगाड़ लगा के इसे हम चला के दिखाएंगे गाइस तो, हम से जुगाड़ करते हैं जुगाड़ करना वाला काम है यस तो अभी हम इसको किसी तो तरीके से चालू करके लाते हैं तो गाइस अभी हम इस कंट्रोलर को चार्ज कर चुके हैं फुल तो नहीं किया लेकिन हम कर चुके हैं और एक दो चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ चार्जिंग के बारे में भी और दो तीन चीज और ये जो आप फोर्थ लाइट देख रहे हो ये फोर्थ लाइट जब आप चार्जिंग पर लगाओगे तो ये फोर्थ लाइट ऐसे ब्लिंक होने लगती है अगर ये इसमें चार्जिंग नहीं है फिर जब ये फुल चार्ज हो जाएगा तो फिर ये सॉलिड ऑन बस ये ऑन ही रहेगी ब्लिंक नहीं होगी और फिर दूसरी चीज आप इसे चार्जिंग पे लगाए लगाए भी खेल सकते हो आ, हम हमने अभी टेस्टिंग करी थी तो उसमें खेला तो और फिर उसके बाद एक चीज और कि इसमें अलग अलग मोड्स होती हैं तो फिर अगर आपको अपने फोन से ब्लूटूथ से कनेक्ट करना है और आपको ऐसा गेम खेलने वाला है जिसका मतलब प्रीसेट नहीं है जैसे सीओ डी ब्लूटूथ कंट्रोलर सपोर्ट अपने आप करता है तो उसके लिए आपको एक दूसरी मोड होती है सेकंड वाली मोड और जो फर्स्ट मोड बताने वाले वो जैसे पबजी वगैरह या फ्री फायर या माइंड ऐसी जो जिन में नहीं है मेरे तो फिर आपको क्या करना है सबसे पहले ये होम बटन देख लो इसको दबा के रखो ये ऑन हो जाता है दबाते ही ऑन हो जाता है ये वन मोड क्योंकि लगा रखा था तो इसलिए तो फिर तो कहीं जैसा कि मैं बता रहा था इसमें मोड जो बनती है अलग अलग तो जो पहली मोड होती है उसको एक्टिवेट करने के लिए आपको होम प्लस ए दबाना रहता है तो ये पहली मोड हो गई और जो दूसरी मोड होती है जो कि सी ओ डी वगैरह के लिए होती है नेटिव सपोर्ट तो उसको आपको होम प्लस एक्स दबा के रखना रहेगा तो अब ये दोनों दबाएंगे तो ये देखो ये थर्ड लाइट स्विच हो गई है तो तो ये थर्ड लाइट मतलब सेकंड मोड अभी क्यों थर्ड लाइट जलती है इसमें मेरे को नहीं पता ये बहुत कंफ्यूजिंग है तो और फिर इसमें एक मोड और है मतलब जो अगर ये आप डोंगल से कनेक्ट करते हो जैसे अगर आप अपने पीसी से इस डोंगल के थ्रू कनेक्ट करते हो या आप अपने टीवी से भी कनेक्ट कर सकते हो वैसे तो अगर आप उसके थ्रू करते हो तो फिर आपको दबाना रहेगा होम और वाई आप ये दोनों बटन एक साथ दबाएंगे और ये देखिए ये सेकेंड ब्लिंक होने लगा इसका मतलब ये अभी इस यू को ढूंढ रहा है और जैसे ही आप ये अपने लैपटॉप वगैरह पे लगाओगे तो ये अपने आप सॉलिड हो जाएगा तो अभी हमें करना है फ़ोन से और हम करेंगे एक नॉन नेटिव जैसे पबजी वगैरह तो अभी मैं अपने फ़ोन को अनलॉक कर लूँ तो अभी आप देख सकते हो मैं अभी ब्लूटूथ मोड पर हूँ अपने फ़ोन की अपनी ब्लूटूथ खोल देता हूँ और अभी अगर मैं इसे कर दूँ फर्स्ट मोड पर आ गए हम फर्स्ट मोड पर तो अभी आप देख सकते हो मैंने अभी इसे क्लिक किया मतलब ये कनेक्टेड मैंने एक बार पहले भी अभी किया था चेक करने के लिए तो फिर अपने आप कनेक्ट हो चुका है इस वक्त तो अभी मैं क्या करूँगा इसकी जो शूटिंग प्लस मैंने आपको आप बताई थी ये शूटिंग प्लस वी थ्री आपको ये खोल लेनी है अब ये खोलोगे तो ये देखिए आ जाएगा कि गेम पार्ट कनेक्टेड और जैसे आपने देखा भी होगा जैसे ही कनेक्ट हो गया सॉलिड भी हो गया तो अभी इसे यहीं रखे रहने देते हैं इस वक्त आपको देख सकते हो कितने सारे गेम्स हैं अलग अलग तो आप ये सब डाउनलोड भी जैसे अगर मेरे पास मान लीजिए ये लाइफ आफ्टर कौन सा गेम है तो ये तो आप डाउनलोड गेम भी कर सकते हो या ये सब चीज़ें अलग अलग चीज़ें आ रही हैं बाकी सब तो आप कुछ मत मतलब करिए होगा डाउनलोड गेम ही तो अभी हमारे पास है पबजी तो ये सब मतलब प्रीसेट्स जो लगे हुए हैं इस पर वो उसके लिए है तो भी अगर हम पबजी करना चाहते हैं तो ये आ रहा है तो अभी हमारे पास पबजी डाउनलोडेड है तो हमें क्या करना रहेगा हम पबजी खोल लेते हैं तो अभी हमने बी जी एम आया इंडिया में तो वो भी लेकिन सेम ही चीज़ रहती है क्योंकि तो इस वक्त हम इंडिया में हैं तो बीजेएमआई आ रहा है तो अभी मैं इसके ऊपर जो वो लगता है क्लिप वो नहीं लगा के खेल रहा हूँ ऐसे ही तो अभी अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं और मैं एक कंट्रोलर भी आपको दिखा देता हूँ तो ये कंट्रोलर पे अगर मैं एक गेम स्टार्ट कर देता हूँ आपका जो तो इसी से करूँगा देखिए मैं कुछ टच नहीं करूँगा अगर आप ये स्टार्ट क्लिक करोगे ये देखिए इसने खुद ही मतलब डिटेक्ट कर लेता है कि आप कौन सा गेम खेल रहे हो तो फिर ये उस हिसाब से सारे बटन आ चुके हैं और ये है एक लॉल्स की आवाज जो कि बहुत अजीब अजीब आवाज़ें करते हैं हाँ। वो एक ऐसी चीज से खेले जिससे उन्हें नहीं खेलना चाहिए इस, इसका क्लिप तो जो मोबाइल क्लिप होता है और अभी अगर आप देखोगे ये सब कंट्रोल्स होते हैं तो मैं आपको चालू करके दिखाता हूँ तो अगर मैं इस पर क्लिक करूँ स्टार्ट तो ये क्या मैच स्टार्ट हो रहा और स्टार्टिंग में आप कंट्रोलर से खेलोगे तो आपको ये देखिए अभी मैंने क्लिक किया था तो आपको बहुत अजीब सा मतलब इतना अच्छा नहीं लगेगा तो अभी अगर मैं आपको क्लिप लगा के दिखा दूँ ये क्लिप लगा के आपको ज़्यादा अच्छा मिलेगा हाँ क्योंकि आपका फ़ोन पे हाथ पे आ जाएगा क्लिप, क्लिप लगा दिया फोन पर खेल रहे हो तो क्लिप लगा क्लि� दिएगा और इसको जैसे कि मैंने आपको बताया था ये चार्ज होते होते भी जब कंट्रोलर चार्ज हो रहा हो उस वक्त भी आप इस गेम को खेल सकते हैं तो फिर अभी अगर मैं उसको साइड में रखूं और अभी हम इस क्लिप पे फोन को लगा देते मैं तो आपको खींचने की जरूरत नहीं पे अगर सीधा करे तो भी लग जाएगा और मतलब कुछ फोन स्क्रैच नहीं होने वाला है ना फोन ना ये तो अभी अब आप फ़ोन पे वेट डिपेंड करते हुए अच्छा खासा भारी सा हो जाता है अभी तो आपको एक लग करना अभी आप देखोगे तो थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी अभी मैंने उसे सॉल्व किया टर्न्स आउट वो सही मोड पे नहीं था और मैं कुछ तो गड़बड़ी कर रहा था तो मैंने तो ऐसी गड़बड़ियाँ हो सकती है आपको कुछ भी नहीं करना बस कंट्रोलर बंद कुल कीजिए और वो सही चलने लगता है अब या फिर आपका तो अभी आप देख पाओगे अभी सही चल रहा है बिल्कुल और ये अभी मैंने दो तीन बार मतलब इतनी बार खेला तब तक नहीं हुआ अब भी पता नहीं क्यों हुआ तो अभी अगर मैं मतलब डेमो की तरह खेल रहा हूँ बहुत अच्छा तो नहीं अब देखिए अब हम लैंड हो चुके हैं तो मैं कूद भी पा रहा हूँ आराम से ये झुकने के लिए बी ये क्लिक करोगे तो ये झुक आप लेट जाओगे और ये मैप खुल गया, इससे और अगर आपको किसी भी टाइम पे मतलब अपना प्री सेट देखने की क्या कौन सा बटन किधर है तो आप ये स्टार्ट बटन क्लिक करोगे तो ये देखिए ये सब चीज़ें आ चुकी हैं कि कौन सा कहाँ पे किधर गया तो अभी अगर मैं स्टार्ट बंद करू तो अभी आपको यूज टू होने में थोड़ा टाइम लग सकता है और शूट करने के लिए ये ऊपर वाला बटन ये ट्रिगर और ये ये देखिए और अगर अभी मैं कोई गन ले लूँ तो फिर आप देख पाओगे दूसरा गन के अलावा इस वक्त सब कुछ मिलेगा मुझे देखिए बंदा भी मिल चुका है इस बंदे को मुक्का मार के बाहर आते हम ये बंदा भाई कहाँ भाग कर रहा है बंदे हम इसे कैरी भी कर सकते हैं अभी बी जी में नया अपडेट आया था <laughs> कैरी कर लिया जाए इसको उठा के ले लिया जाए चलो ने 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 ने। ये मेरे गर्दन पे ही मरना चाहिए तो जैसे कि अभी आप देख ही सकते हो मैं सब कुछ कर ही पा रहा हूँ इस बंदे को नीचे फेंक दिया जाए और अभी इसे मारते हैं शिट मैं कूद गया तो अभी हम मर चुका है अभी अगर मैं इसकी क्रेट लूट लूँ तो मेरे को मिल जाएगी एक गन क्योंकि यह था एक बॉट तो मेरे को एक बहुत अच्छी सी गन मिल चुकी है अभी तो अभी अगर मैं स्कोपिंग करके दिखाऊँ तो शूट भी कर पा रहा हूँ बहुत अच्छे तरीके से और जम्प वगैरह सब कुछ चलता है ऊपर मैं ये क्लिक करूँ ये देखिए और यार थ्री तो बेसिकली इसी की तरह है और मेरे गड़बड़ी क्या आ रही थी मैं आपको बताता हूँ अभी अगर मैं जाऊँ ये वाली ऐप पे तो मैं आपको बताता हूँ जैसे अगर मेरे को पी पबजी मोबाइल करना है तो फिर मेरे को सबसे पहले ये डाउनलोड करना रहेगा होम प्लस अप पे कर सकते हो कोई भी ऐसे चार पी आप इस पर सेट कर सकते हो तो मैं रिकमेंड करता हूँ सबसे पहले ही वाला कर लेते हैं हम होम प्लस अप पे किया तो ये रख चुका है और फिर अभी अगर आप बंद करके मैं पबजी खोलू वापस ये आ गया मेरे को गेम से ना बाहर निकाले ये धन्यवाद नहीं निकाले इसने तो अभी अगर मैं इधर जाऊँ और फिर अगर आप सिलेक्ट क्लिक करिएगा तो फिर ये सारे प्रीशर्ट्स आ जाते हैं तो अगर मैं कोई और प्रीशर्ट क्लिक करूँ जिस पर मतलब मैंने नहीं लगाया हुआ ये बाय डिफ़ॉल्ट जो लगा हुआ रहेगा वो तो ये इन सब प्री पे भी आप कुछ और भी लगा सकते हो तो इसीलिए होम प्लस अब पे अभी मैंने ये लगा दिया तो ये आ गया तो हमारे साथ गड़बड़ी पिछली बार ये हो गई थी कि मैं ये भूल गया था कि इस पर ऐसे भी करना होता है और अभी आप देख सकते हो इसमें बैटरी लो थी है, तो यह बंद हो चुका है तो भी ये डिस्कनेक्ट हो गया तो ये आपको सब कुछ देख चुका है अगर ये डिस्कनेक्ट हो जाए तो क्या होगा तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हाँ आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोज आपको मिलती रहे और आपको इन सब एर से पता चलेगा कि ये सच्चाई है बिल्कुल सच दिखाते हैं हम इस चैनल पे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यहाँ पे है मेरे चैनल का लिंक यहाँ पे सब्सक्राइब करिए आपको हिलने की भी जरूरत नहीं है वीडियो छोटी करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे क्लिक करिए सब्सक्राइब यहाँ पे स्टैंसर नाइट का चैनल यहाँ पे एक ऐसी वीडियो जो कि यूट्यूब कहता है आपको देखनी चाहिए और मेरे हिसाब से भी आपको ये वीडियो देखनी चाहिए और ये एक स्टैंसर नाइट की वीडियो ये भी आप देख सकते हैं अगर आप कमन करें तो नहीं तो फिर आप यही वीडियो देखिएगा ये बाय आईज